गाइस आज मैं खड़ा हूँ है एक वीरान और भूतिया सर के जो मेन गेट है उसके आगे एंड जल्दी हम इसके अंदर जाने वाले गाइस तो गाइस चलिए इसके अंदर की ओर चलते हैं गाइस जिस वीरान और भूतिया और गुमनाक सिटी की मैं बात कर रहा था ना वो है गाइस ये पूरा आप देख सकते हैं एक ही मतलब किसी की मेल की तरह लग रहा है आप देख सकते हो ऊपर झरों के एंड जो दरवाजे वगैरह हैं एंड ये हैं वो गेट जहाँ से हम आए थे अभी एंड का अब आप देख सकते हैं एंड चलो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सीरी बताता हूँ का ये जो आप लोहे का गेट देख रहे हैं ना इसको तो बाद में लगाया गया है पहले आप देखिए जो यहाँ पर पहले लगा हुआ था ना वो एक लकड़ी का गेट हुआ करता जो कि यहाँ पर पड़ा है एंड और, और आप देख सकते इसके ऊपर जो किले मतलब पुराने समय में राजा महाराजा के जो किले के ऊपर गेट के अंदर किले लगाई जाते थी तो उसमें से बसाव के लिए वो भी यहाँ पर लगी हुई है गाइस आप देख सकते हैं इसका जो एक गेट तो यहाँ पर पड़ा है दूसरा मतलब यहाँ पर नहीं है आप देख सकते हैं गाइस एंड ये जो लोहे का गेट है वो तो बाद में लगाए गए हैं पहले यही गेट लगा हुआ था वहाँ पर जो कि पूरा लक्कड़ का बना हुआ है गाइस आप देख सकते हैं एंड अभी समय के साथ साथ ये पूरा सड़ चुका है गाइस देखिए आप चलो गाइस इसकी एक और मजेदार चीज मैं आपको बताऊँ चलो बताता हूँ गाइस तो, आप देखिए यहाँ पर दीवार ना मतलब किसी पुराने समय में जो भीती चित्र बनाया जाता था, था ना दीवार के ऊपर खोद खोद करके वैसे एक घोड़ा बनाए हुए गाइस यार वास्तव तो में एंड इसके ऊपर मतलब आप लगभग मतलब कुछ लेटर्स लगे लिखे हुए है एंड uh, मेरे को तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है देख सकते हैं गाइस यार मतलब ये कितना पूरा हो सकता है गाइस आप ये देख ही सकते हैं अगर मेरे को कुछ इसका अप्रूफ मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा देख सकते हैं गाइस और मेरे को एक और चित्र मिला है आप देखिए जहाँ पर जो मेरी समझ में आ रहा है वैसे एक हाथी बना हुआ है एंड इसके हाथी के ऊपर जो हाथी की पाल की होती है ना जिसके अंदर राजा और उनके जो सामंत वगैरह बैठते हैं वो भी काइस पूरा बना हुआ है एंड राजा और जो हाथी को सलाने वाला जो वो महावत होता है वो भी यार पूरा मतलब बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड नीचे भी और भी कुछ चित्र वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं किले के और दूसरी दीवार पर एक और घोड़ा बना हुआ है एंड इसके आप देख सकते हैं मतलब पूरी दीवार के ऊपर चित्रकारी करी गई है एक कुछ चक्र बना हुआ है एंड ऊपर कुछ लेटर्स भी लिखे गए हैं जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं एंड यहाँ पर एक और भी घोड़ा बना हुआ है गाइस ऐसे मतलब एक नहीं है बहुत सारे मतलब यह चित्र यहाँ पर बने हुएगा गाइस एंड एक और का शॉकिंग बात यह है कि इसको कोई नहीं जानना है इस जगह को इस जगह को मतलब पूरा वीरान है गुमनाम और एक और चित्र भी हमको मिला है देख सकते घोड़ा है एंड घोड़े के ऊपर एक सैनिक है एंड उसके हाथ में लिया गया है भला एंड यहाँ पर देखिए आप ये हिरण की तस्वीर लग रही है उस लेटर से एंड ये है गाइस हाथी आप देख सकते हैं एंड ये जो मेन गेट है ना उसकी उसकी दीवारों के ऊपर ये सब बना हुआ है आप देख सकते हैं एंड ये गाइस बहुत छोटा नहीं है लगभग वन बाई वन किलोमीटर के एरिया में पूरा ये मतलब बना हुआ किला चलो मैं आपको आगे और चल कर दिखाता हूँ और गाइस ये है सीढ़िया चलो मैं आपको ऊपर चल कर दिखाता हूँ और गाइस ये मैं आ गया एक छत है छत के ऊपर एंड छत के ऊपर ये कुछ टेबल के जैसा बना हुए हैं एंड गाइस देखिए आप पुराने समय में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था यार अभी तक भी टिका हुआ है पूरा और ना ही इसमें कोई ये सीमेंट वगैरह का यूज किया गया है मतलब पूरा गारे से बगैरह बना हुआ है एंड इसके जो ऊपर से मैं व्यू आपको दिखाता हूँ गाइस ये है एंड आप देखिए जो कारीगरी की गई है एंड वहाँ पर आप देखिए एक जरो है मतलब वह पुराने समय में जो रानियों के रहने के लिए जो स्थान थे वहाँ पर झरोखे बनाए जाते थे एंड सामने देखिए एंड दूर दूर जहाँ तक मेरी नज़र है ना वहाँ पर ऐसे खंडहर बसे हुए हैं आप देख सकते हैं चलो मैं आपको और भी विजिट कराता हूँ और गाई यहाँ पर एक टेम्पल बना हुआ है ना मंदिर वहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो ऊपर का जो गुबंद है वो भी यहाँ पर है एंड और भी कुछ साहब देख सकते हैं गाइस भाई जब चलो नीचे चलते हैं एंड और भी आपको मैं विजिट कराता हूँ भाई साहब आप देख सकते हैं अभी बरसात का मौसम है ना बहुत सारी घास भी यहाँ पर उगी हुई है एंड ये एक और रूम है एंड मैं इसके अंदर जाने से बस हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से अभी से इसके अंदर समगा की होने की मतलब उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है एंड मैं यहाँ पर अकेला हूँ अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है एंड थोड़ा डर भी लग रहा है एंड इसके सामने एक और सभागार बना हुआ है खुला अब देखिए एंड यहाँ पर एक जो एक गुप्त आप बोल सकते हैं सीक्रेट रूम भी बना हुआ है देख क्या और देखिए सामने का इस कुछ ऐसे सभागार यहाँ पर भी बना हुआ है एंड यहाँ से सीढे जा रही है चलो इसको ऊपर के आपको दिखाता हूँ ये हैं गाइस अपर स्ट्रक्चर एंड मतलब छत के ऊपर भी पूरी घास उग रखे हैं एंड ये गाइस वो पूरा आप देखते हैं जो ये एरिया है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फोर्ट हो मतलब किसी का किला है जो यहाँ पर होना चाहिए एंड और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जैसे पहले हुआ करता था जो किले होते थे वो दुश्मनों से बचाव के लिए पहाड़ों के ऊपर ही बनाए जाते थे एंड ये भी कुछ ऐसा ही है यहाँ पर मतलब कुछ डबल मंजिल भी स्ट्रक्चर है। हैं एंड आप देख सकते हैं और गाइस हमको एक जमीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर मिला है जो कि मतलब उस जमाने के लोगों के एंटरटेनमेंट का ज़रिया हुआ करता था आप देख सकते हैं एक गेम की तरह लग रहा है हमारा जो मॉडर्न लूडो वगैरह है ना उसी तरह और अब मैं उस जगह के मिडल के अंदर खड़ा हुआ है एंड आप यहाँ से पूरा क्लियरली थ्री सिक्सटी व्यू भी देख सकते हैं गाइस मतलब मेरे सारों तरफ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर हैं एंड ये इतना ही नहीं है गाइस इसके बाहर भी बहुत कुछ हैं चलो आपको दिखाते हैं और अब मैं उस जगह से बाहर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर भी देखिए उस उसी तरह से घर बने हुए हैं लोगों के बहुत ही मतलब एक बड़ा बड़ा सा शहर है कुछ छोटा मोटा नहीं है चलता जा रहा हूँ आप देखिए मेरे चारों तरफ वैसी कुछ स्ट्रक्चर हैं लोगों के घर हैं एंड उस समय यार कितना मतलब तगड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता अब देखिए एंड कहीं कहीं तो टूट भी है और गाइस ये एक घर है देखने एक एक नहीं है यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये जो घर कैसे हुआ करते थे उनका एक जो मॉडल है वो मैं आपको दिखाता हूँ अब देखिए जो यहाँ पर इंटरेस्ट है एंट्रेंस है इसकी गेट एंड इसकी जो चिड़िया है वो भी आप देख सकते हैं चलो इसके अंदर चलकर आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर गाइस सीढ़ी से होते हुए इसके अंदर चलते हैं गाइस अब देखें सामने एक रूम बना हुआ है एंड वहां पर भी मतलब खुला ओपन एरिया है एंड इसके ऊपर भी एक और रूम है एंड यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाए गए हैं एंड यहाँ पर एक यही एक ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसे बहुत सारे घर बने हुए हैं एंड इसकी जो तो हिस्ट्री है वो लगभग मुझे तो क्या यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी नहीं पता है कैसे इसका जो राइज हुआ था एंड कैसे इसका मतलब डिमोलिश हो गया पूरा एंड गाइस मैंने तो अभी आपको इसका ना पूरा थर्टी परसेंट लगभग आपको दिखाया होगा पूरा तो मैंने दिखाया नहीं है और दिखा भी नहीं सकता यार बहुत ही लंबा सोड़ा है अब देखिए एंड ये किसी घर की सत्य है एंड ऐसे यार बहुत सारे खंडर यहाँ पर बने हुए हैं आप देख सकते हैं मैं उसी शहर के अंदर खड़ा हूँ एंड uh, मैंने आपको जितना भी हो सके दिखाने की कोशिश की है एंड uh, लगभग आपको मतलब इसका थर्टी परसेंट ही दिखाया पाया हूँ पूरा दिखा भी नहीं पाया एंड आप मेरी हाल देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो गया है घूम घूम कर क्योंकि अब जो बरसात का मौसम चल रहा है एंड यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है एंड मेरी भी हालत जो है पीछे लगे खंडरों की तरह हो चुके हैं तो खैज़ जोक सपाट तो गैज़ आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वी मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय